किसान आंदोलन नूं लैके पंज वड्डियां खबरां। पहली खबर दे उपर रुख करदे जिथे आम आदमी पार्टी दे मैंबर पार्लीमेंट ने पीएम मोदी दा कीता घराओ, किया वापस लो काले कानून। खेतीबाड़ी कानूनां विरुद्ध दिल्ली दीआं सरहदां दे किसान लगातार डटे हुए ने। किसानां दे अंदोलन विचकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज देश दे किसानां दे नाल गल्लबात कर रहे सन। इस तों पहलां अज आम आदमी पार्टी के संसद मैंबरों ने अज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घिराओ किया, नवे खेतीबाड़ी कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर संजय सिंह ने भी हाथों में तख्तियां फाड़ के संसद दे विच पीएम मोदी के सामने नारेबाजी की है। दरअसल पीएम मोदी पीएम मदन मोहन मालविया और सबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने जन्म दिवस से श्रद्धांजलि भेंट करने वास्ते संसद के हाल में आए सन। संसद मैंबर भगवंत मान ने संसद भवन की एक वीडियो साझी करदिया कहा कि लोक सभा के केंद्रीय हाल में मोदी सरकार दी अखां अते कन्न खोलण लई गुंजे किसान हितैषी नारे पार। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विरोधी धिर ते जोरदार हमला बोलिया, नवे खेतीबाड़ी कानूनों के मुद्दे से किसानों नूं गुमराह करन दा दोष लगाया। दूजी वड्डी खबर, केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने किसानों नूं अंदोलन खत्म करन अते सरकार नाल गलबात मुड़ शुरू करन दी अपील की है। इस विचकार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के किसानों नूं अंदोलन नूं खत्म करना ते सरकार नाल गलबात करन वास्ते कहा। तोमर ने 40 किसान यूनियनां नाल गलबात दी अगवाई कर रहे ते उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसान इन्हां तिन कानूनां दी महत्ता नूं समझणगे, इस अंदोलन नूं खत्म करन दा हल लभण वास्ते सरकार नाल गलबात करनगे। इस विरोध प्रदर्शन नूं छड के गलबात वास्ते अगे आउण मैनूं उम्मीद है कि किसान नवे कानूनां दी महत्ता नूं समझणगे ते किसे हल ते जरूर पहुंचणगे। तीजी वड्डी खबर, किसान अंदोलन लई चौथा जत्था करियाले तों रवाना हो चुकिया। विधानसभा हलका खेमकरन अधीन पैंदे पिंड करियाला तों संत बाबा अवतार सिंह अते किसान संघर्ष कमेटी कोट बुड्ढा दे आगुआं ने कहा कि दिल्ली विखे अंदोलन दे अंदर बैठे किसानां दी मदद लई हर संभव मदद कीती जा रही है। उन्होंने कहा कि भावें कि उन्हां दे पिछे किसानी दा कोई काम है, रल मिल के कीता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों नूं रद्द नहीं कर दिंदी उदों तक ये किसान अंदोलन इसे तरह जारी रहणगे, पिंड विच वड्डे जत्थे दिल्ली लई रवाना हुंदे रहणगे। चौथी वड्डी खबर दे रुख करदे हां, हरियाणा दे विच किसानां ने फ्री करवाए टोल प्लाजे। खेती कानूनां दे विरोध विच हरियाणा च किसानां ने शुक्रवार नूं टोल फ्री करवाउण दा ऐलान कीता सी, जिस दे चलदे किसानां ने सवेरे 9 बजे तों झज्जर रोहतक नैशनल हाईवे ते डीकल टोल फ्री करवा दिता। इस तों अलावा सोनीपत NH 44 ते स्थित मुरथल टोल प्लाजे नूं भी किसानां ने फ्री करवा दिता। टोल फ्री होण तों बाद किसे भी वाहन तों पैसे नहीं ले जा रहे। जींद पटियाला कौमी राजमार्ग स्थित खरकट पिंड दे टोल प्लाजे नूं भी बैरियर उत्थों चुकवा दिता गया इत्थे ही, अते इत्थे किसे भी कोलों टोल नहीं लिया जा रहा। भवानी विच किसानां ने पिंड कीतलाना दे कोल स्थित भवानी दादरी मार्ग दे उपर टोल फ्री करवा दिता। किसान टोल प्लाजा ते बैठ के प्रदर्शन भी कर रहे ने। पंजवीं वड्डी खबर दे रुख करदे हां, किसानां दी चिट्ठी ते अज फैसला लै सकदे ने किसान। केंद्र सरकार वल्लों भेजे गए सद्दे ते अज किसान फैसला कर सकते हैं। दरअसल वीरवार को सरकार ने किसानों को पत्र लिखा जिस विच किसान आगुआं को गलबात लई तरीक और समा तय करने वास्ते कहा गया सी, पर मंगा पूरियां ना हुंदियां वेख किसानों ने अपना अंदोलन तेज कर दिता। 8 दिनों विच सरकार ने किसानों को तीजी चिट्ठी लिखी है जिस विच लिखा गया कि 3 कानून घट्टो घट समर्थन मुल MSP नूं प्रभावित नहीं करनगे। इस बारे लिखती भरोसा देण लई उह तैयार रहे, पर इस बारे खेतीबाड़ी कानूनां तों इलावा नवीं मंगा रखना बिल्कुल सही नहीं है।